अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं फिश का कोरमा यानी कि मछली का कोरमा बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगी कुछ डिफरेंट तरीके से बनाएंगे वैसे तो अपना अपना तरीका होता है इसको बनाने का तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ 600 ग्राम के करीब रोहू फिस ली है इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है क्योंकि को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो चलिए कर लेते हैं अब हम इसकी मैगनीशन तो यहाँ मैंने ऐड किया है हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड किया है नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है और हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है मैंने यहाँ गर्म मसाला पाउडर वन टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे हम यहाँ अदरक लहसन का पेस्ट अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे फेस के साथ तो हाथों से ही मिक्स करना है क्योंकि हाथों से अच्छे से मिक्स होता है तो यहाँ देखिए मैंने मिक्स कर दिया है अब हम क्या करेंगे कि 20 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं फ़िश को रखी हुए लगभग हमारे 20 मिनट हो चुके हैं अब मैंने यहाँ एक कढ़ाई ली है और इसमें हम करेंगे टू टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल ऐड तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से गर्म होने देते हैं तो यहाँ हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है तो अब हम इसमें फ़िश को फ्राई करेंगे तो एक एक करके हम इसमें ऐड करते जाएंगे और फिश को फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बस एक से दो मिनट के लिए हमें फिश को फ्राई करना है क्योंकि बाकी का फिश हम मसालों में भी पकाएंगे तो ये देखिए एक साइड से फिश हमारी थोड़ा सा पक चुकी है अब हम दूसरी साइड से भी इसे फ्राई कर लेते हैं अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई की हुई फिश पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसे ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं तो यहाँ ये यह देखिए मैंने फिश को पलट दिया है दूसरी तरफ से भी हमारी फिश जो है वो फ्राई हो चुकी है अच्छे से अब हम इसे निकाल लेते हैं और बाकी की बची हुई फिश भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे तो सारी फिश हमारी यहाँ फ्राई हो चुकी है अब हम उसी ऑयल में ऐड करेंगे थोड़े से मेथी के दाने हाफ़ टेबल स्पून ऐड करेंगे हम यहाँ राई यानी सरसों के दाने अब मैं यहाँ ऐड कर देती हूँ एक बड़ी साइज की मैंने प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा था थोड़ा सा मैंने यहाँ दरदरा पेस्ट बनाया था ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं बनाया है मैंने तो आप चाहें तो इसकी जगह आप बारीक प्याज चॉप्ट करके भी ऐड कर सकते हैं फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं प्याज को तो प्याज को हमारे लगभग भुनते हुए एक दो मिनट करीब हो चुके हैं प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है अब हम यहाँ ऐड करेंगे टू टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट क्योंकि इसे भी हमें एक से दो मिनट के लिए भूनना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए अगर आप इस तरह से प्याज नहीं ऐड करना चाहते तो आप फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम प्याज को पीस कर बनाते हैं तो चलिए अदरक लहसुन भी हमारा भुन चुका है अच्छे से प्याज के साथ तो यहाँ हम कुछ ऐड कर देंगे मसाले तो यहाँ हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे हम यहाँ हल्दी पाउडर टू टेबल स्पून ऐड कर देंगे हम यहाँ धनिया पाउडर वन टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और वन टेबल स्पून ऐड करेंगे हम यहाँ नमक तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और वन टेबल स्पून के करीब ऐड की है मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं आप स्किप कर सकते हैं और मसालों को हम लो फ्लेम पर एक से दो मिनट के लिए भून लेते हैं और यहाँ हम थोड़ा सा अब पानी ऐड कर देंगे इसमें ताकि मसाले जो हैं हमारे वो अच्छे से भून जाए और मसालों को लो फ्लेम पर हम भूने इसी तरह से और मसालों को हम इसी तरह से चलाते जाएंगे। मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं मसालों से ऑयल जो है भी बिल्कुल अलग हो गया है अब हम यहाँ ऐड कर देंगे एक कटोरी मैंने यहाँ लिया है दही ये खट्टा वाला दही है और दही को मैंने थोड़ा सा फेट लिया था थोड़ा सा फेट कर इसे पतला कर लिया था और अब हम इसमें ऐड कर दिया है और मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे हम दही को थोड़ा सा हम चलाते जाएंगे ताकि वो फट ना जाए और मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे भी हम अच्छे से भून लेते हैं यहाँ पर मसाला हमारा बढ़िया तरीके से भून गया है कितना बढ़िया सा इसमें कलर आया है अब हम इसमें एक एक करके जो फ्राई की हुई फिश है वो इसमें ऐड कर देंगे गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे हाई फ्लेम नहीं करना है नहीं तो जो हमारा मसाला है वो थोड़ा सा जल सकता है तो ये देखिए सारी फिश मैंने इसमें ऐड कर दी है और जो प्लेट में बचा हुआ ऑयल है वो भी हम इसी में ऐड कर देंगे मसालों में तो ये देखिए अब हम इसमें एक बाउल के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे ग्रेवी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं थोड़ी सी पतली या फिर थोड़ी सी गाढ़ी वैसे तो कौपे में बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया जाता है तो ये देखिए इसमें बाउल आना शुरू हो गया है तो इसमें मैंने वन टेबल स्पून के करीब कसूरी मेथी और दो से तीन मैंने यहाँ हरी मिर्च लंबे टुकड़ों में कट करके ऐड की है और टू टेबल स्पून ऐड किया है मैंने यहाँ धनिया पाउडर तो ये देखिए आप और अब हम इन सारी चीज़ों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है अब हम लो फ्लेम पर इसे एक मिनट के लिए और पकने देते हैं एक मिनट के बाद चेक करते हैं तो ये देखिए फिश हमारी बिल्कुल एकदम रेडी हो चुकी है इसे हम थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं बढ़िया तरीके से हमारी जो है फिश कोरमा वो बनकर तैयार हो गया है बहुत ही बढ़िया सी इसमें खुशबू आ रही है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इसका जो कलर है बहुत ही अच्छा सा कलर आया है देखने में ही बहुत ही बढ़िया सी लग रही है तो खाने में भी इतनी ही ज़्यादा टेस्टी है तो चलिए कर लेते हैं हम इसकी प्लेटिंग ये फ़िश कोरमा मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है वैसे तो सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का लेकिन ये भी जो फिश कोरमा मैंने बनाया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त फिश कोरमा हमारा बनकर तैयार हो चुका है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करें